देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और यह उपचुनाव समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव को लड़ी थी, उसी तरीके से उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी मुस्तैदी से लड़ करके उस सीट को दोबारा जीतना चाहती है। क्या उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई है, उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि देखिए, उम्मीदवार के बारे में भी आपने बता दिया कि उदेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी पर भरोसा जताया गया है। चूंकि अभी 2024 का चुनाव ज्यादा दिन नहीं बीता है और मिल्कीपुर की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के परिवार पर विश्वास जता चुकी है, इसलिए हमारे मन में या समाजवादी पार्टी के मन में उनके प्रति कोई अब विश्वास जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। पुनः हम उनके परिवार को लड़ा करके इस सीट को जीतेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव हो जहां अवधेश प्रसाद जी जीतते हैं, लोकसभा चुनाव होता है अयोध्या से फैजाबाद सीट पर, वहाँ जीतते हैं और अब उपचुनाव हो रहा है और हाल ही में एक मामला हुआ था, कितना उससे प्रभाव पड़ेगा? उस मामले से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ये मांग करी थी कि जो घटना है उसमें जो आरोपी हैं उनका डीएनए टेस्ट करा करके उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। समाजवादी पार्टी आज भी उस पर कायम है। मैं सवाल आपके चैनल के माध्यम से सरकार से करता हूं कि डीएनए टेस्ट में 24 घंटे भी रिपोर्ट आने में नहीं लगता है, लेकिन वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को 15 दिन बीत गए अभी तक उजागर करने का काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं सीट पर प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं, अयोध्या के विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, हाल फिलहाल के दौर में कितना प्रभाव मिलेगा, कितनी चुनौती मिलेगी? देखिए, रही बात उस सीट पर प्रभारी के तरीके से काम करने का, तो मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी के रूप में पूरे प्रदेश में काम किया था और पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता नजर आ रहा है और 24 के चुनाव में वो हार गए। और रही बात अयोध्या के विकास की, तो आप सबके आईने से दिखा है, पूरी देश दुनिया को दिखा है कि वहाँ पर विकास क्या हुआ है। विकास के नाम पर लूट हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जमीनें कब्जा की गई है, किसानों की, गरीबों की जमीनों को छीन करके पूंजीपतियों के हाथों देने का कार्य किया गया है। और जिन परियोजनाओं में सरकारी धन लगा उसमें किस तरीके का बंदरबांट हुआ है, पथ को देखा आपने, वो ध्वस्त हो गया, धस गया, पहली ही बारिश में धस गया। इससे आप विकास की गुणवत्ता समझ सकते हैं। अयोध्या में विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है, धरातल पर नहीं किया गया है और वहीं पर बड़े पैमाने पर गरीबों को उनकी रोजी रोटी से वंचित करने का काम किया गया है, पुश्तैनी जमीनें छीनने का काम किया गया और छीन करके अपने उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.